हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू टैलेंट क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मैथमेटिक्स। इसमें आज हम लोग को चैप्टर लाइंस एंड एंगल एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग, और ये क्लास 7 का चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस मींस क्या होता है? रेखा होता है। एंगल मींस क्या होता है? कोण होता है। एंड मतलब होता है और, यानी कोण और रेखा या रेखा और कोण। हम लोग जानेंगे सम बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। सबसे हम लोग जानेंगे पॉइंट क्या होता है। देखिए पॉइंट है, ये मैंने डॉट लगा दिया, ये पॉइंट है। ये क्या पॉइंट है? पॉइंट जो होता है उसमें क्या होता है, पॉइंट में कोई भी पॉइंट में शेप, कोई पॉइंट पॉइंट में कोई लास्ट पॉइंट नहीं होता, ना ही इसकी कोई लेंथ होती है, ना ही इसकी कोई ब्रीथ होती है, और ना ही इसकी थिकनेस होती है। पॉइंट को हम लोग मार्क से शो करते हैं, और कहा गया है कि ए पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन इन स्पेस। यानी पॉइंट अगर शो कर दिया गया तो एक स्पेस और लोकेशन को शो कर रहा, तभी कहा गया एन एग्जैक्ट, ए पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ स्पेस। इसके पास कोई साइज नहीं होता है और ये इन्फिनिटी साइज होता है। पॉइंट का कोई साइज नहीं होता, इन्फिनिटी साइज होता है। अभी मैंने मार्कर से डॉट रखा तो आपको दिख रहा होगा, अगर मैं पेन से रखता हूँ तो बहुत हल्का डॉट दिखेगा, पेंसिल से रखता हूँ उससे हल्का दिखेगा। तो मतलब क्या, इन्फिनिटी साइज होते हैं, इसलिए पॉइंट के पास कोई साइज नहीं होता है। फिर से हम लोग बात करते हैं पॉइंट को, हम लोग क्या कहते हैं, इट इज मार्क्ड बाय अ डॉट एंड नेम्ड विद अ कैपिटल लेटर। हम किसी लेटर से भी शो कर सकते हैं, वो भी एक पॉइंट कहलाता है। फिर से हम लोग बात करते हैं लाइन क्या होती है। देखिए लाइन जो होती है, लाइन मींस होता रेखा। लाइन मींस क्या होता है? रेखा। तभी आपने मेरे वीडियो को देखा। लाइन को हिंदी में कहते हैं रेखा, तभी आपने मेरे वीडियो को देखा। तो देखिए लाइन जो है, ए लाइन इज ए सेट ऑफ कॉन्टिन्यूस पॉइंट। जो लाइन होती है कॉन्टिन्यूस पॉइंट से सेट होती है, कॉन्टिन्यूस मींस लगातार। तो देखिए इसमें मैंने लाइन बनाई, ये क्या है, ये लाइन है, आप देख रहे हैं ये लाइन है आपकी, और इस लाइन में ये लाइन है। और लाइन में क्या होता है कि लाइन में जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन जो होती है वो इन्फिनिटी होती है। लाइन की डायरेक्शन होती है इन्फिनिटी होती है। किसी डायरेक्शन में लाइन चल सकती है, नॉर्थ में चल सकती है, साउथ में भी चल सकती है, ईस्ट में चल सकती है, वेस्ट में, उत्तर पश्चिम दक्षिण, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में चल सकती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, उसके बाद लाइन जो होती है स्ट्रेट होती है और इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये बढ़ती चली जाती है। रे की बात करते हैं, रे। तो देखिए रे क्या है, रे आपने देखा होगा, तीर कमान आपने देखा होगा, रामचंद्र जी की फोटो देखी होगी, उसमें क्या हो, धनुष बाण लिए हैं, तो तीर है, तो मतलब तीर। एक सॉन्ग भी चला था ना, चलाओ ना नैनो से बाण रे, चलाओ ना नैनो से बाण रे। अब देखिए जब ये बाण रे आया तो बाण क्या है, एरो है ना, तो दैट इज क्या है, रे है। मतलब रे में एक डायरेक्शन होता है, यानी रे क्या, ए रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन, यानी रे एक हिस्सा है लाइन का, मतलब यही रे इस लाइन का एक हिस्सा है, पार्ट है। उसके बाद क्या है कि इट हैज वन एंड पॉइंट, इसमें एक एंड पॉइंट होता है, और इसका भी डायरेक्शन जो होती है वो इन्फिनिटी होती है, लेकिन वन डायरेक्शन होती है। आप देख रहे हैं इधर भी रे ऐसे भी बन सकती है, ये रे ऐसे भी बन सकती है, ये ओके। फिर हम लोग बात करते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है। देखिए लाइन सेगमेंट का जो वर्क होता है वो फिक्स होता है। लाइन सेगमेंट इज ए पोजीशन ऑफ ए लाइन, लाइन सेगमेंट इज ए पोजीशन ऑफ ए लाइन दैट स्ट्रेस बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब जो लाइन सेगमेंट होता है वो दो पॉइंटों पे वर्क करता है। जो आपका लाइन सेगमेंट होता है इसमें वो दो पॉइंटों पे वर्क करता है, उसी को हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट। यानी ये आपका लाइन सेगमेंट है, और ये जो था ये आपकी क्या लाइन है, ये आपका क्या सुनिए, ये लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है। हम इसे कोई भी नेमिंग भी दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ दिया ए और इसे दे दिया बी, ए बी, ए बी दैट इज क्या लाइन सेगमेंट है। मतलब लाइन सेगमेंट जो है इसकी फिक्स पोजीशन होती है, इसमें दो पॉइंट होते हैं। फिर बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन को आपने देखा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती है जो एक दूसरे को कट कर रही हो, एक दूसरे को कट कर रही हो। देखिए आपने कट्टम जीरो खेला है ना, कट्टम जीरो किस सबने खेला होगा इस टाइम। देखिए तो कट्टम हम बना देते हैं, हमने क्या किया, हमने कट्टम को बना दिया इस प्रकार, ये हमारा कट्टम बन गया, अब हम लोग कट्टम जीरो खेल लेते हैं। तो देखिए ये हमारा कट्टम है,
और ये जो कस्टम है ये आप कस्टम क्या मैंने यहाँ पे एरो ऐसे बना दिए, तो अब ये कस्टम किसका वर्क कर गया, इंटरसेक्टिंग लाइन के कहेंगे, मतलब ये दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही है, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब दो रेखाएं दो लाइनें अगर एक दूसरे को कट करती हैं, बराबर बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती हैं, तो उन्हीं को हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। फिर इससे हम लोग बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस की, तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है उसको हम लोग जानते हैं। देखिए परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत है, मतलब आपने देखा होगा डॉक्टर साहब के पास कभी गए आप लोग, गए होंगे, कोई कोरोना चल रहा था, अब भी कुछ चल रहा है, तो इसमें क्या लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे एडवाइस लेते हैं, वो उनको क्वारंटाइन की सलाह देता है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की सलाह देता है। तो आपने कभी उसके सिंबल को देखा होगा, आपने एम्बुलेंस गाड़ी को देखा होगा ना, उसमें एक प्लस सिंबल बना होता बस। तो हम लोग भी परपेंडिकुलर लाइन को ध्यान रखना है, तो डॉक्टर के सिंबल से ध्यान रखना है, और डॉक्टर का सिंबल प्लस होता है वो रेड होता है, बस आपको रेड कलर नहीं यूज करना है, आप ब्लू यूज कर सकते हैं, पेंसिल यूज कर सकते हैं और ब्लैक। अब मैंने इसमें क्या किया, एरो बना दिया। अब आप देख रहे हैं ये दोनों लाइनें सीधी है, तो यहाँ पर हमें 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, तो दैट इज ये हमारा फिगर किसका, परपेंडिकुलर लाइन का, क्या है, परपेंडिकुलर। उसके बाद बात करते हैं कंकरेंट लाइन की, क्या होती है कंकरेंट लाइन में, क्या होती है कई लाइनें जब एक पॉइंट पे मिलती हैं और एक दूसरे को कट करती हैं, उन्हीं को हम लोग कंकरेंट लाइन कहते हैं, और ये इन्फिनिटी लाइनें होती हैं। ये कैसी होती है इन्फिनिटी, मैं दिखा देता हूँ। आपने कट्टम खेला, फिर आपने एक लाइन यहाँ से ड्रा कर दी, फिर आपने ऐसे ड्रा कर दी, तो ये जितनी लाइनें हैं ये क्या है, कंकरेंट लाइन है, ये क्या है, कंकरेंट लाइन है। एक से ज्यादा लाइनें जब होती हैं एक ही पॉइंट पे, तो वो लाइनें क्या कहलाती है, कंकरेंट लाइन कहलाती है। फिर इससे हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस की, तो दो लाइनें जब एक दूसरे के सेम होती हैं, ये दो लाइंस एक दूसरे के जब सेम होती हैं, बराबर होती हैं, उन्हीं को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। आपका ये भी इस प्रकार आप एक और एक 11 भी बना सकते हैं, तो ये दो लाइनें क्या है, पैरेलल लाइन, मतलब ये लाइन इस लाइन के बराबर है, ये लाइन इस लाइन की सही है, तो ये थी हमारी पैरेलल लाइन। तो मैंने आपको सम बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट बताया, जिससे कोई फिगर के नाम पता है, फिगर के बारे में पता होगा, तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके कहीं पर भी क्वेश्चन को या किसी भी इंटरव्यू में अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं क्योंकि ये लाइंस एंड एंगल चैप्टर है क्लास 7 का, क्लास 9th में जो स्टैंड है वो भी इस चैप्टर को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक इसमें दिया हुआ है क्लास 7 में लाइन एंड एंगल्स में, और क्लास 9 में भी यही आपको चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, चाहे आप आरजी शर्मा बुक से पढ़े, चाहे आर्य अग्रवाल से पढ़े, या और भी कोई बुक पढ़े, उसमें आपको लाइन एंड एंगल जरूर मिलेगा। तो मेरा कहना ये क्लास 7 और क्लास 9 के दोनों स्टैंड वीडियो को देखें, और ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।